जय माता दी दोस्तों, द ट्रैवलिंग एडवेंचर चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका होस्ट संजय मोहन। दोस्तों, 9 अप्रैल से नवरात्रों का शुभ पर्व आरंभ होने वाला है, तो इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं कि आपने माता वैष्णो देवी जी की यात्रा कैसे करनी है, वहां आप कैसे पहुंच सकते हैं, आपने RFID कार्ड कैसे लेना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, माता वैष्णो देवी जी की यात्रा का बेस कैंप है कटरा, तो आपको सबसे पहले यहाँ कटरा पहुंचकर यहीं से यात्रा की शुरुआत करनी होगी। दोस्तों, कटरा आप बाई एयर पहुंच सकते हैं। यदि आप बाई एयर आते हैं तो आपको सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट पड़ेगा जम्मू एयरपोर्ट, वहां पे आप उतर के वहां से टैक्सी लेके आप कटरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, आप कटरा बस से पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आते हैं तो आपको दिल्ली से डायरेक्ट कटरा के लिए बस अवेलेबल हो जाएगी और उसमें आपको AC नॉन AC आप बस बुक बुक कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर बजट। आप कटरा बाई ट्रेन भी पहुंच सकते हैं। यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपको डायरेक्ट कटरा की ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपकी सिटी से कटरा के लिए ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू रेलवे स्टेशन पे उतर के वहां से आप टैक्सी या बस लेके भी आप कटरा पहुंच सकते हैं। दोस्तों, कटरा पहुंचते ही सबसे पहले आपने अपना RFID कार्ड कलेक्ट करना है, जिसके लिए आपको आपके पास एक आधार कार्ड होना बहुत ज़रूरी है। RFID कार्ड कलेक्ट करने के बाद आपने यात्रा के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचना है, जहां आप पैदल भी जा सकते हैं और यहां शेयरिंग ऑटो पे भी जा सकते हैं। जय माता दी। दोस्तों, यहीं से माता वैष्णो देवी जी की यात्रा की शुरुआत होती है और इसी जगह पे आपका सामान और आपका RFID कार्ड चेक किया जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रश होता है। दोस्तों, चेकिंग करा के जब आप अंदर पहुँचेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन तो आएंगी यात्रा की, एक नया मार्ग और एक पुराना मार्ग। यदि आप नए मार्ग पे जाना है तो आप लेफ्ट साइड टर्न कर जाएंगे तो आपका नया मार्ग से यात्रा शुरू हो जाएगी। अगर पुराने मार्ग से जाते हैं तो आपने सीधा चलना है और यहीं से आपको घोड़े वगैरह, पालकी, पिट्ठू सब मिल जाएंगे। यहीं पे इनका काउंटर है तो यहीं से आप ये सारी फैसिलिटीज बुक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट आता है बाणगंगा। बाणगंगा का भी एक बहुत प्राचीन इतिहास है। कहते हैं कि जब माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की चढ़ाई कर रही थी और साथ में उनके हनुमान जी थे, तो जब उनको प्यास लगी तो उन्होंने बोला कि मेरे को प्यास लगी है, तो माता जी ने अपने बाण से ये गंगा निकाली थी, तभी इसका नाम बाणगंगा पड़ा हुआ है। दोस्तों, यहाँ पे आपको काफ़ी फोटो स्टूडियोज भी मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने फैमिली के साथ फोटो क्लिक करवा सकते हैं। दोस्तों, बाणगंगा के बाद आता है चरण पादिका मंदिर। आप यहां से माता रानी का आशीर्वाद लेके आगे की यात्रा शुरू कीजिए। यहां रास्ते में आपको काफ़ी खाने पीने के ऑप्शंस भी अवेलेबल हो जाएंगे, आप चाय, नाश्ता वगैरह यहां पे कर सकते हैं। दोस्तों, अभी हम आधा रास्ता तय करके अर्धकुंवारी में पहुंच चुके हैं और अर्धकुंवारी में यहाँ पे
आपको काफ़ी खाने के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, और आप यहाँ थोड़ा सुस्ता के तो यहाँ पे आप गर्भ जून के दर्शन भी कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़ा समय लगता है, अगर आप जाते वक्त कर सके तो ठीक है, नहीं तो आप इसको वापसी में भी इस गुफा के दर्शन कर सकते हैं।